अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा है कि आपको मैंने बताया कि बोया ने एक नया माइक लॉन्च किया है जिसमें नॉइज़ कैंसलिंग है और वो है बोया V1। V1 बेसिकली आईफोन के लिए है और V10 जो है वो सी टाइप के लिए है, ये इनके मॉडल नंबर है। अच्छा, उसमें ये कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई हमें बोया के माइक के हवाले से उसका साउंड सुनना चाहते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, रिच है भी कि नहीं है, क्या अगर हम इस बोया के माइक को लेते हैं हमें इसका फ़ायदा है कि नहीं है। सो जैसा आप देख सकते हैं मैं छत के ऊपर आया हूँ उसको लेकर, और मैंने इसको आईफोन 7 के ऊपर लगाया हुआ है और नॉइज़ कैंसलिंग भी ऑन है। आपके सामने आप साउंड को खुद ऑब्जर्व कर लें कि कैसा आ रहा है, चीलें ऊपर हैं, कौवे भी हैं, मगर साउंड है, ये नहीं कि नहीं शोर है, बट मैंने नॉइज़ कैंसलिंग को ऑन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके 9 घंटे का बैकअप है, यानी कि 9 घंटे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका जो वायरलेस ट्रांसमिशन है उसकी रेंज जो है वो 50 mm है। 50 mm अगर आप नेट पे लिखते हैं फीट पे तो ये आता है 160 फीट, और भाई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज हम एक काम करते हैं, इसको स्पेशली बाहर लेके जाएंगे, हम इसको चेक करेंगे कि अगर आवाम हमारे साथ मौजूद है तो उसमें उसका साउंड कैसा आ रहा है, इवन के हम एक्सट्रीम लेवल पे इसको चेक करेंगे। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान में लाहौर में आपके नस्बत रोड के पास जहाँ पर कैमरा मार्केट है वहाँ पर इसके मेन डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पर हैं। अगर आप हाल रोड जाते हैं या कहीं और जाते हैं, कोई भी बंदा कहता है भाई ये माइक हम मंगवा रहे हैं, सब झूठ है, एवरीथिंग इज़ फेक। मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो इसके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो निस्पत रोड कैमरा मार्केट में मौजूद हैं, कहीं भी पाकिस्तान में नहीं है, इसके ऑफिशियल लोग निस्पत रोड पर है। अगेन मैं ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये हमें कहते हैं कि यार ये हम लोग मंगवा रहे हैं, हाल रोड चले जाओ, कहीं और चले जाओ, यार ये माइक हम मंगवा रहे हैं, हमारी इसकी डीलरशिप है। भाई किसी की कोई डीलरशिप नहीं है, इसमें चाइना का माल काफ़ी आ गया है, बोया ब्रांड बहुत अच्छा है। कंप्लेन इस वजह से आ रही है कि लोग चाइना की कॉपी बनाकर यहाँ पे बेच रहे हैं, तो इस चीज़ से बचें यार, इस चीज़ को ज़रा अवॉइड करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने 2 साल की वारंटी दी हुई है, तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा अगर जितनी ये वीडियो फैलती है ये तो बहुत अच्छा है कि लोगों को पता चलता जाए कि कहाँ पर इसकी डीलरशिप, कहाँ पर लोग इसके बैठे हुए हैं। सो कोशिश करें आप लोग वहीं से बाय करें। सो आज हम एक काम करते हैं कि इसको अब मैं बाहर लेके जाता हूँ, आप लोगों को माइक की क्वालिटी को चेक कराता हूँ। ऑब्जर्व आप लोगों ने करना है, गेस आप लोगों ने करना है, मेरा काम है आप लोगों को साउंड के बारे में बताना। थैंक यू। अच्छा, ये अब मैं नहर पे आया हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि अगर बाइक चलाते हैं तो नॉइज़ कैंसलिंग पे इसका साउंड कैसा आता है, तो अभी हम इसको चेक करते हैं। और ये मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, रिक्शे हैं, बाइक हैं, आप लोगों ने खुद साउंड को जज करना है कि कैसा आ रहा है, नॉइज़ कैंसलिंग के अंदर आपको कैसा लग रहा है। मकसद ये है कि इसको तो आप खड़े होकर यूज कर सकते हैं, इजीली बेस्ट है, मगर मैं इसका एक्सट्रीम लेवल पे चेक कर रहा हूँ कि अगर हम बाइक पे भी बैठे हो तो इसकी आवाज़ कैसी है, अगर शोर आ रहा है तो नॉइज कैंसलिंग ऑन करते हैं तब इसकी आवाज़ कैसी है, ये आप लोगों ने खुद जज करना है। अब देखें पीछे से आवाज आ रही है, कैसी आ रही है, ये आप लोगों ने खुद इसको देखना है। हम देख लेते हैं इसकी कितनी रेंज है, यहाँ से वहाँ तक चेक करते हैं। वेट करना चाहूँगा, माइक ऑन है, वेट करना है। अच्छा, हमने माइक को चेक किया है और HDF से, और बिल्कुल एक्यूरेट जो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है ना, 160 फीट, 160 फीट बहुत ज़्यादा है और कम बजट के अंदर यार औसत। अच्छा भाई, मैंने माइक को अब लगा लिया यहाँ पे भी, अब एक्सट्रीम लेवल पे इसको चेक करने लगे हैं कि अगर ट्रेन गुजरती है तो उसके साउंड को कैसे ये अब्सॉर्ब करता है, चेक करते हैं। ये मैंने लगाया हुआ है, अब मैंने इसके नॉइज़ को ऑन कर दिया, ये ग्रीन हो गया है। सो ये देखिए, मैं ट्रैक के ऊपर हूँ, बस ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है, उसी के इंतज़ार के लिए मैं कब से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। सो चेक करते हैं इसका साउंड कैसा है। ले भाई, ये ट्रेन आ रही है। सो गुजरने लगी है, तो आप देखते हैं साउंड को कैसा रिकॉर्ड करता है ये। और दिल धड़क रहा है भाई, क्योंकि ट्रेन के पास खड़ा हूँ, बिल्कुल ही रिस्की काम है, लेकिन फिर भी चेक तो करना है ना माइको के इसकी क्वालिटी कैसी है। भाई बैठ ही जाते हैं, अब देखते हैं। ये ले भाई, आ गई ट्रेन, माशाल्लाह। अरे वाह,
तो कमाल हो गया। और ये गुजरी ट्रेन, जैसे आपको पता है कि कॉपीराइट का मसला बहुत ज़्यादा आ गया है, आप कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं ले सकते। अगर आप कोई ले भी लेते हैं तो आपको नेट से ढूंढना पड़ता है, काफ़ी लोगों ने अपने बनाए होते हैं, लोग उसी को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर आप अपना कोई साउंड इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस माइक को मैं इस पर टेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर साउंड इफेक्ट कैसा आएगा। ये मैंने ग्लास रखा हुआ है जिसके अंदर पानी है, और मैं माइक को यहाँ पर रख देता हूँ। माइक को मैंने यहाँ पर रख दिया, अब इसका साउंड सुनते हैं। ओके, अगर आप कोई साउंड इफेक्ट बनाना चाहते हैं खुद का तो आप वो कर सकते हैं, वही मैं टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, एक ग्लास मैंने यहाँ पे रखा, आप इसका अंत देखते हैं। और इसके अंदर हम पानी डालते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये तो था ग्लास का और पानी का, कई किस्म के हम साउंड इफेक्ट बना सकते हैं। लाइक अब ये मेरे पास एक पर्ची है, ये मैंने कुछ ग्लोव्स भी बाय की हुई है तो उसकी पर्ची है, अब देखते हैं इसका आवाज़ कैसे आएगी। अब हम इसको यहाँ से फाड़ते हैं, बिल्कुल साइलेंस मोड पे है। अब हम देखते हैं कि अगर हम स्प्रे करेंगे तो क्या जो स्प्रे की आवाज़ आती है एक्यूरेटली उसको पकड़ेगा कि नहीं। तो दिखाने का मकसद यह है कि अगर आप अपनी मर्जी का कोई साउंड इफेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप चल रहे हैं या पानी का, ग्लास का, वट एवर कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, तो ये क्या आपको काम देगा कि नहीं देगा। जैसा आप लोगों ने देखा कि इसको मैंने पब्लिक पे यूज़ किया है, इवन कि मैं ट्रेन पे भी गया हूँ और मैंने इसके साउंड इफेक्ट कुछ बनाए हैं, भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका आया है। और अगर मैं तो कहूँगा कि भाई आप इसको बाय करें, आई विल हाईली रिकमेंड यू, कि जो स्पेशल ये चैनल वाले हैं या बाहर जाके लोग अक्सर व्लॉगिंग करते हैं, पब्लिक में लोग मौजूद होते हैं क्योंकि आवाज़ सही तरह नहीं आती, जब लोग सुन रहे होते हैं तो शोर काफ़ी होता है, तो वो चाहते हैं कि नॉइज़ ख़त्म हो जाए। सो ये आप बाय करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अक्सर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने कितने का बाय किया, तो भाई ये मैंने 7,500 का बाय किया है न्यूज़पेपर और कैमरा मार्केट से। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस बिकॉज ये एक बहुत अच्छी चीज़ आई है। अगर आप ओरिजिनल नॉइज़ कैंसलिंग वाला माइक लेते हैं रोड का, शनहाइजर का, तो भाई वो तो बहुत हाई लेवल का है, उसकी तो क्या ही बात है, बट वो बजट से आउट हो जाता है। अब जिनका बजट नहीं है, जिनके लिए मुश्किल है, जो चाहते हैं कि हम कम बजट के अंदर काम करें, लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो कम बजट के अंदर ये बहुत हाई लेवल का काम कर रहा है, बहुत हाई लेवल का। सो प्लीज़ आप इसको बाय करें, ये जैसे आपको बेहतर लगता है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। और मेरा जो काम था वो मैंने आपको दिखा दिया, मैंने इसको ट्रेन पे यूज़ किया है, कई जगहों पे यूज़ किया है, मुझे तो बहुत मज़ा आया और अनकरीब मैं इसी को ही यूज़ करूँगा अपने इस YouTube चैनल के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।